कर लो किसी को। रॉकेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। के बारे में पहले ही पढ़ा दिए हैं, जो मेन फॉर्मूला था एफ थ्रस्ट वो समझा दिए हैं तुमको, ठीक है, कि एफ थ्रस्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें था कि थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है और वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा? जैसे ये मान लो मैं रॉकेट का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये रॉकेट है, नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा एक फोर्स लगेगा, दैट इज रॉकेट का मास इंटू जी, ठीक है। अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ये फोर्स लग रहा होगा एक नीचे, और अगर यहाँ से जो गैस है, गैस वी वेलोसिटी से आ रहा है, या इसको वी आर में लिख रहा हूँ, इज वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में गैस बाहर आ रहा है कितना स्पीड से, वी आर स्पीड से, तो इसके चलते इस रॉकेट पे थ्रस्ट जनरेट होगा एंड इट विल बी एफ टी एच। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और अगर इस स्टैंड पे तुमने देखा, ये रॉकेट ए से ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट हो रहा है, जो भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा है, एफ टी एच ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, इस एफ टी एच के चलते क्या होगा, ये रॉकेट मे बी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर सकता है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अगर तुमने एफ बी डी ड्रॉ कर दिया, ये इस एफ बी डी से तुम्हें क्या पता चलेगा, इस एफ बी डी से तुम्हें पता चलेगा कि एफ टी एच माइनस एम जी इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम इन टू ए। आ रही बात समझ पे? हाँ। Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें एक बार ध्यान से देखोगे तो ये मास और ये मास, इस पॉइंट पे जो मास है रॉकेट का, कुछ देर बाद मास बदल सकता है, क्योंकि मास क्या हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअसली रिलीज हो सकता है। तो उस इंस्टेंट पे जब लिखेंगे, मतलब इस यहाँ पे जब भी तुमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि मास जो है वो वेरिएबल है। तो अगर मास वेरिएबल है, काफी तक सर आप शुरुआत किया, मैं अभी तक ज्वाइन किया गया, हाँ लेट अरे हो अभी गई। यही 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 है, यही है, नहीं लेट हुआ है, कहाँ फंस गए थे, ट्रैफिक थी क्या ज्यादा? हाँ अरे मैं खुद लेट आया 5 मिनट, तुम मेरे से भी 5 मिनट लेट आ रहे हो, क्या हो गया था, खाना पीना खाने लगे थे क्या? कोई नहीं, यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रॉकेट है, ये जो ऐसे स्क्वायर शेप में दिख रहा है ना, ये रॉकेट है, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है वेट, और ये जो वी आर है ये है वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। और इस फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो क्या बोल रहा है, एफ टी एच माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। समझ गए? बोलो आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ चल, सर, जिसने लेट आया वो खुश है ना, ज्यादा सर पढ़ा दे, नहीं पढ़ा है टेंशन मत लो, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ अब देखो, इस एफ टी एच के बारे में मैंने बताया था कि ये जो एफ टी एच होगा ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ वी आर dm by dt, यही होता है ना, इस FTH की जगह देखो माइनस, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, vr क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, FTH किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ मैं क्या, माइनस ऑफ vr dm dt। इसमें कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, माइनस mg ये बराबर किसके होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये तुम्हारा गवर्निंग इक्वेशन है, मतलब रॉकेट का अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए, रॉकेट अगर किसी भी ग्रेविटी मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको उसका एक्सेलरेशन चाहिए, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। समझ में आ रही है बात? जहां वी आर क्या है, वी आर इज स्पीड ऑफ गैस, इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में जिस स्पीड से ये गैस बाहर आ रहा होगा
उसकी बात करेंगे, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गैस किस स्पीड से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, रॉकेट का स्पीड से, रॉकेट के रेस्पेक्ट में जिस स्पीड से ये गैस बाहर आ रहा होगा उसकी बात करेंगे। समझ में आ गया? अब अगर तुमसे पूछे, अगर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी गिवन इंस्टेंट पे पूछ रहा है बताओ कि रॉकेट की कितनी वेलोसिटी है। अब देखो जैसे ही तुम एक्सेलेरेशन निकाल लिया, एक्सेलेरेशन के इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन होता क्या है, डीवी बाई डीटी। रॉकेट का जो वेलोसिटी है, ध्यान से सुन लो, रॉकेट की जो वेलोसिटी है, बोल रहा है मान लो अभी रॉकेट चल रहा है, मान लो उसकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड है अभी, ठीक है, बताओ 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। आ रही बात समझ में? क्या तो अगर ये ऐसे सवाल पूछ रहा तो हमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन के हेल्प से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यही गवर्निंग इक्वेशन है, इसी के हेल्प से रॉकेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो लिखना वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट at some instant, किसी instant पे अगर तुमको rocket की velocity पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, कौन सा equation use करेंगे, ठीक है? We know a जो होता है वो क्या होता है, dv by dt, ये क्या होता है, acceleration क्या होता है, dv by dt। तो हम जो इक्वेशन था, सो माइनस वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी कैन बी रिटन एज एम डी वी बाई डी टी, ठीक है, एक्सेलेरेशन की जगह ये चीज हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब यार एक चीज, एक चीज ध्यान से देखना, ये जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी है, रॉकेट की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी है, velocity of gas, sir, gas, 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 ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये रॉकेट की वेलोसिटी है जो हमें कैलकुलेट करना है, ये तो तुमको गिवन होगा कि इस वेलोसिटी से गैस बाहर आ रहा है, ये तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अगर dv कोई लिखना चाहे तो dv by dt can be written as minus minus vr dm by dt या माइनस ऐसे लिख दो 1 बाई एम डी एम बाई डी टी और ये टर्म माइनस जी, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या करा, मास को बस इधर लाके डिवाइड करा, इस साइड ला करके डिवाइड करा है मास को, तो इधर 1 बाई एम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करना है तुम्हें, अब dt से मल्टीप्लाई कर दो, dt से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, dt से मल्टीप्लाई करोगे तो दिखेगा dv इज इक्वल टू माइनस वी आर डी एम बाई एम माइनस जी डी टी, दिखेगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इतना तक सबको समझ में आया, कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो बोल सकते हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही सब कर रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं कर रहा है। अब तुम्हें क्या निकालना है, भी निकालना है, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, भी निकालना है, तुम्हें डीवी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, डीवी जब पता होता है इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं नहीं एक जो डीवी डी टी वाला कटने वाला जो कंफ्यूजन है वो बताओ मुझे क्या हो रहा है वहाँ पे, तो ये डीटी और ये वाला डीटी सर कट नहीं जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डीवी बाय डीटी, अगर हाँ देखिए मल्टीप्लाई करें तो ये डीटी कैंसिल आउट हो गया, तभी तो इधर डीटी बचा है, ये डीटी कैंसिल आउट हो गया तो इधर कुछ नहीं बचा और ये डीटी इधर मल्टीप्लाई हो गया। मैंने ऊपर वाला जो इक्वेशन था ना उसमें डीटी से मल्टीप्लाई करा तब जाकर के मुझे ये इक्वेशन मिला, एक बार चेक कर लो कंफ्यूजन हो रहा हो जी सर, ठीक है ठीक है जी सर। अब dv से जब भी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, dv से भी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन विथ सम इनिशियल कंडीशन,
इनिशियली तुम्हें रॉकेट की स्पीड पता होगी, कुछ देर बाद तुमसे पूछ रहा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे बट विद सम इनिशियल कंडीशन, जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट, समझना लिमिट के बारे में समझना। लेट एट टी इक्वल्स टू जीरो वी इक्वल्स टू यू एंड एम इज इक्वल टू एम आई, समझो क्या ले रहा हूं। टाइम जब दिस इंस्टेंट पे तुम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हो, उस इंस्टेंट पे रॉकेट की स्पीड को मैंने कितना लिया हुआ है, और रॉकेट का जो मास है उसको कितना लिया हुआ है, एम आई लिया हुआ है। समझ में आ गया, तुम्हें निकालना कब है, टी इक्वल्स टू टी पे निकालना। एंड एट टी इक्वल्स टू टी नॉट स्पीड भी जो है वो भी के बराबर जा रहा है और एम जो है वो एम एफ के बराबर जा रहा है, जिसको फाइनल मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है, लिमिट समझ में आ रहा है, कैसे ले रहा हूं, लिमिट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। लिमिट टी इक्वल्स टू जीरो, जहां से हमने मोशन को रीड करना शुरू करा वहां पे हमने देखा कि रॉकेट के पास कुछ स्पीड है, कितनी स्पीड है, यू के बराबर। रॉकेट के पास कुछ अपना मास है, कितने के बराबर, एम आई के बराबर, क्योंकि ये मास वेरी करेगा, मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, रॉकेट का फ्यूल बर्न होकर के बाहर आ रहा है। उसके बाद टी इक्वल्स टू टी पे हमें देखना है, टी इक्वल्स टू टी पे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो मान लो वेलोसिटी वी है और उस इंस्टेंट पे रॉकेट का कुछ मास होगा, दैट इज एम एफ। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को, लिमिट समझ में आ गया। तो जब इंटीग्रेट करोगे डीवी को तो कहाँ से कहाँ से, यू से लेकर के भी तक, इधर अब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वी आर डी एम बाई एम, कहाँ से कहाँ तक, एम आई से लेकर के एम एफ तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जी टी जी डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के टी तक। एक बार ध्यान से देख लो, इधर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है कहां से कहां तक, इनिशियल स्पीड यू माना है, भी हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल मास एम आई था, मास एम एफ हो गया क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, मास के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो था, टाइम टी पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी। कर पाओगे ये इंटीग्रेशन? हाँ सर, हाँ सर। चलो मैं ही करता हूँ। ये dv जो है इसका इंटीग्रेशन भी लिमिट u से भी तक, या देखो vr जो है वो कांस्टेंट है, जिस स्पीड से गैस बाहर आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये चुपचाप इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये जो चीज है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी माइनस vr बाहर आ गया। और dm बाई m का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, dm बाई log m होगा या नेचुरल लॉग ऑफ एम, कहां से कहां तक, एम आई से लेकर के एम एफ तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताओ, जी तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो टी को कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के टी तक पुट कर। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया यहां तक, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सारी चीजें मैंने क्या क्या करा समझ में नहीं आया, सबको आ गया ना? तो अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम लिमिट पुट करो, सिंपलीफाई करो, तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा कि किसी भी। हाँ बोलो बोलो सर, एक बार सर रुकिए। अच्छा ऊपर क्या ये नहीं मिटा रहा था, ये लिख नहीं, ये नहीं लिखा था क्या तुमने जो मिटाया? नहीं सर, एक लाइन नहीं हुआ था। अच्छा ये वाला नहीं हुआ था, दोबारा लिख दूं, इधर था इंटीग्रेशन डीवी यू से लेकर के भी तक, इधर था माइनस वी आर डी एम बाई एम, मास एम आई से लेकर के एम एफ तक, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी तक, जी टी टी था, ये था। हो गया? हाँ सर। अब बारी 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 से लिमिट रखोगे तो इधर रहेगा वी माइनस यू, इधर आएगा माइनस वी आर नेचुरल लॉग ऑफ एम एफ बाई एम आई माइनस जी टी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो भी विल बी, ये माइनस को बाहर लोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस अगर बाहर ले तो ये जो चीज नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी,
नीचे चली जाएगी क्योंकि ये पावर में चला जाता है। ये हो जाएगा यू प्लस बी आर एल एन एम आई बाई एम एफ माइनस जी पी। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल गिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि यहां देखो टी वेरी कर रहा है, टी वेरी कर रहा है ना, जब टाइम पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग उस इंस्टेंट पे तुम्हें वेलोसिटी दिख जाएगी। यही तो हमें कैलकुलेट करना था कि हम जिस टाइम पे चाहे उस टाइम पे रॉकेट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सके। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या चीज एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं बताऊंगा तुमको, यहाँ पे नया क्या है देख लो जल्दी से, हो जाए तो बोलना। हाँ सर हो गया, हो गया। हाँ देखो तुमने, मैं जब मैं 1D मोशन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास इक्वेशन क्या आता था, बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, याद होगा तुमको कि जब हम इक्वेशन लिखते थे किसी भी पार्टिकल का कि अगर यू वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका टी टाइम पे वेलोसिटी बताना है तो हमें मिलता था बी इज इक्वल टू ये जो टर्म है यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है प्रोपल्शन के चलते। जब रॉकेट बर्न हो रहा है v वेलोसिटी से, सॉरी रॉकेट में जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, तो v वेलोसिटी से, vr वेलोसिटी से गैस बाहर आ रहा है और मास चेंज हो रहा है जिसके चलते थ्रस्ट फोर्स जनरेट हो रहा है, और उस थ्रस्ट फोर्स के चलते वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो किस में चेंज हो रहा है, वो v इक्वल्स टू u माइनस gt से कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, इस टर्म में चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में, क्योंकि पहले केस में क्या था, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बस एक ही फोर्स काम करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन आएगा बॉल नीचे की तरफ, उस पे फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रस्ट फोर्स भी जनरेट हो रहा है जो रॉकेट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ बोलो सर। सर ऊपर वाला इक्वेशन में तो सर vr नेचुरल लॉग mf / mi उसका तो साइन नेगेटिव था, तो सेकंड लाइन में सर पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो ऊपर, ये तो देखो mf / mi है, यहाँ पे क्या है mi / mf है, उलट गया मान लो इफ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, नोट में ये लिख लो, स्पेशल केस वन, If u is equal to zero, अगर u zero होगा, then v कितना हो जाएगा? vr ln mi by mf minus gt। अगर इनिशियल स्पीड जीरो था, मतलब रॉकेट उड़ना शुरू करा, जब रॉकेट उड़ना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब रॉकेट उड़ना शुरू करा, पूछ रहा तुमसे बताओ 10 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी होगी या 20 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ये जहाँ पे हमें पता क्या करना होगा, हमें पता करना होगा स्टार्टिंग में जब रॉकेट को हमने जस्ट फायर करा तो उस टाइम कितना फ्यूल था उसमें और कितना टोटल मास था रॉकेट का, ठीक है, और बाद में 10 मिनट बाद उसमें कितना मास बचा हुआ है। तो ये फाइनल मास है जो बचा हुआ है वो, और ये इनिशियल मास है जहां से रॉकेट जस्ट उड़ना शुरू कर रहा था। यू को हमने क्या लिया, जीरो लिया है, जिसके चलते ये चला गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। दूसरा इक्वेशन की बात करेंगे कि अगर स्पेशल केस टू, मैं इसी में लिख दूंगा, ये लिख लिया हो ना? यस सर। हां सर। स्पेशल केस टू देखना, मान लो इनिशियल स्पीड जीरो है और रॉकेट को हम ऐसे जगह हम चला रहे हैं, ऐसे जगह उसको फेंक रहे हैं जहां पे ग्रेविटी नहीं है, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, यानी अर्थ के आउटसाइड गया, रॉकेट रुका हुआ था कुछ देर के लिए, हमने उसको रोक के रखा था और हम चाहते क्या है कि अब हम उसको फिर से चलाएं,
फिर से उसको क्या करें, स्पेस में ले जाएं, तो क्या होगा कि जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो कौन सा कंपोनेंट गायब हो जाएगा, खुद से तुम बताओगे। जीटी वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जैसे स्पेस में जब जाते हैं ना, कोई भी स्पेस शिफ्ट है, कोई भी स्पेस क्राफ्ट है, कहीं रुका हुआ है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं। तो अगर तुमको चलाना होता है ना, तो बस तुम्हें क्या करना है, प्रोपल्शन की जरूरत होती है। फ्यूल को हम बर्न करते हैं, फ्यूल अपने आप बर्न होकर के जैसे ही बाहर आएगा, रॉकेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड रॉकेट इज आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं जीएफ लिख दे रहा हूँ, तुम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा लिखना, नहीं तो बाद में पढ़ोगे फिर पगला जाओगे क्या लिखवाए हैं जीएफ। इफ यू इज इक्वल टू जीरो एंड रॉकेट इज आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वी जो होगा इट विल बी सिंपली वी इज इक्वल टू वी आर नेचुरल लॉग ऑफ एम आई बाई एम एफ, या फिर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो v can be also written as 2.303 vr log mi by mf, और log और ln में मैंने डिफरेंस तुमको बता करके रखा है। यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, यहाँ पे बेस log 10 है, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि कभी कभी तुमको ऐसा ऑप्शन देगा, और ऐसा मतलब मास की वैल्यू ऐसे देगा जैसे 10 times 100 times 1000 times, तो जब इस तरीके से देता है ना, तो ये टर्म बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू तुम्हें पता है, लॉग 100 की वैल्यू तुम इजिली निकाल सकते हो, लॉग 1000 की वैल्यू तुम इजिली निकाल सकते हो। तो इसलिए जनरली जो इक्वेशन हम याद रखते हैं रॉकेट का स्पीड निकालने के लिए, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो, अगर उसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और वीआर में कंफ्यूज नहीं होना है, वीआर क्या है, स्पीड ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, समझ गया। हाँ सर। चलो कुछ एक सवाल करेंगे, थ्योरी क्लियर है इसका, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। चलो फिर प्रॉब्लम करते हैं, लिखना। रॉकेट ऑफ मास 50 kg, रॉकेट ऑफ मास 50 kg इज फिल्ड विथ रॉकेट ऑफ मास 50 kg इज फिल्ड विथ फ्यूल ऑफ मास 450 kg, रॉकेट ऑफ मास 50 kg इज फिल्ड विथ फ्यूल ऑफ मास 450 kg इज इनिशियली एट रेस्ट फुल स्टॉप, इट स्टार्ट्स टू इजेक्ट गैस लिखना है, इट स्टार्ट्स टू इजेक्ट गैस, इट स्टार्ट्स टू इजेक्ट गैस विद अ स्पीड ऑफ 10^3 m/s विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, then find speed gained by the rocket till its fuel is finished till its fuel is finished,
ब्रैकेट में लिख दो नेगलेक्ट ग्रेविटी, फ्यूल इज फिनिश्ड ब्रैकेट में लिख देना नेगलेक्ट ग्रेविटी। सवाल आराम से पढ़ लो, देखो क्या क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। जो भी थ्योरी हमने पढ़ा अभी तक उसमें कौन सा थ्योरी इसमें अप्लाई हो। सर 2303 हाँ सर, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिमाग लगाना था वो हमने इधर थ्योरी में ही देख लिया है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है 2.303 × 10³³ हाँ ठीक है, वही चीज है, उसको 2303 बोल दो या 2.303। चलो समझते हैं क्या दिया हुआ है। वी आर तुमको डायरेक्टली इसमें दे दिया, वी आर की वैल्यू कितनी है, अगर एम एफ देखोगे, एम एफ पहले एम आई की बात कर लेते, MI जो होगा वो क्या होगा, MI होगा 450 + 50, क्योंकि इनिशियल जो मास है फ्यूल भी है और रॉकेट का खुद का मास, ठीक है, तो कितना होगा टोटल 500 kg, ठीक है। फाइनल जब देखोगे MF, तो MF बोल रहा है जब फ्यूल फिनिश हो गया उस टाइम की वेलोसिटी, मतलब माइनस जो जो फ्यूल है उसमें क्या करेंगे, फ्यूल वाला ये जो मास है उसमें से ये वाला टर्म माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये फ्यूल अब बर्न हो गया। अब इसको कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे इसको जीरो करके सोच लेते हैं कि मास फिनिश्ड हो गया, ये फ्यूल फिनिश्ड हो गया, इसका मतलब मास जीरो, नहीं जीरो नहीं है, रॉकेट का मास कितना है, रॉकेट का मास बचेगा नहीं, ये बर्न हो गया तो उसको हाँ जीरो नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, ये 450 गया 50 बचा तो 50 kg होगा MF, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि गैस के साथ साथ रॉकेट भी बर्न हो गया, रॉकेट बचा हुआ 50 kg का, तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी निकालनी है, तो V क्या था, वी आर क्या फॉर्मूला जो है वो लिख दो 303 वी आर log MI by MF, ये कितना हो जाएगा 303 × 10³ log 500/50, सिंपलीफाई करोगे ये 10 आएगा और log 10 की वैल्यू तुम्हें पता है, log 10 कितना होता है 1 होता, तो यहां से वेलोसिटी जो होगा इट विल बी सिंपली 2303 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी क्या करेगा वो गेन कर लेगा, ठीक है। किसी ने मास जीरो करके और किसी ने करा था, वैसा स्टूडेंट जो मास जीरो पुट करके ट्राई कर रहा था, सर हम कर रहे थे, ठीक है, कॉमन है सर, बहुत सारे बच्चे करते हैं, कोई नहीं, आज वो चीज मैंने बता दिया कि जो रॉकेट प्रोपल्शन का ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा तो रॉकेट का मास जीरो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उसके पास मास होगा क्योंकि फ्यूल बर्न हो गया, रॉकेट का मास तो कुछ बचाइए, हटा दे इसको। अब जो भी मॉड्यूल है उसमें एक रॉकेट प्रोपल्शन का ग्राफिकल क्वेश्चन दिया, मतलब ग्राफ से क्वेश्चन दिया, एंड ग्राफ इज वी वर्सेस टी का है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ है, समझना यहाँ पे, किसका ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टी का, ठीक है। अब देखो अगर वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करोगे, कह रहा है कि जब रॉकेट को हम इग्नाइट करते हैं, रॉकेट को इग्नाइट करते हैं तो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। पहले तो ग्राफ देखो, ग्राफ जो है तुम्हारा वी का वो क्या है, U plus VR ln MI by MF minus GT, यही है, ठीक है। रॉकेट का अगर जो भी इक्वेशन है, ये जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, वो कौन से इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा, है कि नहीं,
अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो इनिशियल स्पीड जीरो है तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्लियर है? हाँ सर। कंफ्यूजन हो तो बोलो, ये इक्वेशन होगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर यू जीरो कर दोगे तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब समझो जैसे ही हमने कोई रॉकेट को बर्न करा, स्पीड जो है उसका ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, स्पीड जो है उसका क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है? इंक्रीज करते 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 एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि पूरा फ्यूल बर्न हो गया, ठीक है? तो जिस इंस्टेंट पे पूरा फ्यूल बर्न हो गया उस इंस्टेंट पे क्या होगी, उस पर रॉकेट रुक जाएगा या चलते रहेगा? जिस इंस्टेंट पे पूरा फ्यूल बर्न हो गया रॉकेट चलता रहेगा, चलता रहेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा था। हाँ, जिस तरफ जा रहा था, मान लो रॉकेट को तुमने चलाया, क्या हो गया, अभी हमने एक जो सवाल करा ना उसमें ध्यान से देखना कि जब फ्यूल बर्न हो गया था ना तो भी उसके पास स्पीड थी। फ्यूल बर्न होने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा था ना, वो थ्रस्ट लगना बंद हो जाएगा, समझो? फ्यूल बर्नने का मैं, फ्यूल पूरा बर्न होने का मैं कंडीशन बता रहा हूँ, क्या हो रहा है समझना। जब तक फ्यूल जलेगा ये FTH होगा, क्योंकि FTH क्यों आता है, dm by dt के चलते आता है। और मास कब तक जब चेंज होगा, जब तक फ्यूल बर्न, और इस FTH के चलते जो बॉडी का, जो रॉकेट का एक्सेलेरेशन हो रहा था वो किधर हो रहा था, ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, एक ऐसा इंस्टेंट आए कि फ्यूल बर्न करना बंद हो गया, मतलब फ्यूल खत्म हो गया, तो ये FTH गायब हो जाएगा। लेकिन इस FTH के चलते हमने एक वेलोसिटी गेन कर लिया था ऊपर की तरफ, ठीक है ना? हमने वेलोसिटी क्या कर लिया था, गेन कर लिया था ऊपर की तरफ, तो ये रॉकेट ऊपर जाने की टेंडेंसी में है। लेकिन अब इसका जो एक्सीलेशन होगा फ्यूल बर्न करने के बाद, वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, जी से। ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा था, इस पे जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा था तो FTH ऊपर लग रहा था और mg नीचे लग रहा था, यही फोर्स था। और रॉकेट का जो स्पीड आएगा, जो भी वेलोसिटी होगा, वो यही दोनों फोर्स कंट्रोल करेंगे। तो जब तक फ्यूल बर्न हो रहा है FTH mg पे डोमिनेट कर रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। जैसे ही फ्यूल बर्न करना खत्म हो गया, फ्यूल बर्न हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो mg डोमिनेट करने लगेगा। और mg डोमिनेट करने का क्या मतलब होता है, फ्री फॉल, मतलब रॉकेट कहाँ गया, फ्री फॉल में आ गया। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, यानी रॉकेट चलेगा चलेगा एक मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा, जिस इंस्टेंट पे उसका फ्यूल खत्म हो गया, उसके बाद रॉकेट आना शुरू करेगा। रॉकेट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घटनी शुरू होगी। क्यों घट रही है, समझ में आ रहा है, रॉकेट का वेलोसिटी वो घटना शुरू करेगा, कम कर रहा है। हाँ, क्योंकि v ऊपर की तरफ था, जो इनिशियल जब तक रॉकेट में फ्यूल था तब तक तुमने इतनी गेन कर ली, लेकिन अब जी के, इस जी के चलते स्पीड क्या होगा, घटना शुरू करेगा। तो अब कंफ्यूजन क्या होता है ना, बच्चों से पूछा जाता है बताओ इस ग्राफ में फ्यूल कहाँ खत्म हुआ, तो बहुत सारे बच्चे कहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं, ऊपर में खत्म, अप पॉइंट पे होगा। फ्यूल कहाँ खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद ये v नीचे आने का मतलब है, वेलोसिटी घटने का मतलब है कि क्या हो रहा है, कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन उसकी वैल्यू घट रही है। रॉकेट अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। घटते 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 एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद रॉकेट अब कहाँ आना शुरू करेगा, नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो नीचे जब आना शुरू करेगा तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है? अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट कब अचीव करा, रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट कब अचीव करा होगा, जब 100% जीरो होगा, जब कंफ्यूजन क्या हो रहा है, एक बच्चे का मैंने सुन लिया था कि उसने बोला था कि जब सर फ्यूल जीरो, फ्यूल बर्न हो जाएगा पूरा का पूरा, फ्यूल जब बर्न होगा ना तो रॉकेट उस इंस्टेंट पे भी ऊपर ही, ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो ऐसा थोड़े कि फ्यूल बर्न होते ही रॉकेट रुक गया वहीं पे, ऐसा हुआ क्या कि जैसे ही फ्यूल खत्म रॉकेट वहीं पे रुक गया, हुआ ऐसा नहीं हुआ, उसके पास ऊपर जाने की वेलोसिटी थी। रॉकेट मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा, जिस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब जब वो ऊपर जाना बंद कर दिया। रॉकेट ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, यहाँ पे उसका फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन रुकेगा नहीं, वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, कब तक, जब तक ग्रेविटेशन के चलते उसकी वेलोसिटी जीरो ना जीरो हो जाए, ठीक है?
और ये जो वेलोसिटी है इसके बाद अब रॉकेट किधर आना शुरू करेगा, नीचे की तरफ। इसलिए अब देखो ग्राफ कहाँ चला गया, नीचे। वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ, ग्राफ नीचे जाने क्या मतलब होता है कि अगर इस साइड को तुम पॉजिटिव ले रहे हो इस साइड की वेलोसिटी को, तो नीचे आने की वेलोसिटी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, जो ग्राफ में दिखना चाहिए। रॉकेट गया गया गया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करा, दिस इज योर वी मैक्स। और ये कौन सा, जहां पे फ्यूल ओवर हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा कब का है, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का कंडीशन है जहां वेलोसिटी जीरो हुआ। उसके बाद नीचे आना शुरू कर दिया, नीचे आकर के ग्राउंड को हिट करेगा, अगर हिट कर रहा है कंडीशन पे, ठीक है। ग्राफ सबको समझ में आया क्या हो रहा है ग्राफ के साथ? यहां से यहां तक FTH था, यहां से यहां तक क्या था तुम्हारा, ये जो मोशन था ऊपर जाने का मोशन था, और यहाँ पे FTH लग रहा था। इसके बाद ये जो भी कंडीशन है यहाँ पे क्या है, G आ गया, मतलब ये फ्री फॉल का कंडीशन है। ये किसका कंडीशन है, फ्री फॉल का कंडीशन। तो मैक्सिमम हाइट भी तो वही होना, पीक पे होना चाहिए सर, फ्यूल जहाँ पर ओवर हुआ। फ्यूल जहाँ पे ओवर हुआ, देखो फ्यूल जहाँ पे ओवर हुआ है ना, तो ऐसा थोड़े कि रॉकेट फ्यूल ओवर होते ही रुक गया, ऐसा है क्या कि जहाँ पे फ्यूल ओवर हुआ वहीं पे रॉकेट रुक गया? नहीं सर। बोलो। तो अगर जहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ वहां पे रॉकेट रुका नहीं, ऊपर की तरफ ही जाना जा रहा है, तो क्या इस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं? नहीं सर, नहीं बोल सकते हैं। कब बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, जब ये जा रहा है ऊपर, जहां पे रुक गया। रुकने के बाद क्या होगा ना, अब वो अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके उस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज उसका वेट, और वेट कहाँ खींच रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो जब फ्यूल बर्न हो गया तब वेट लगने लगा, और वेट का काम है नीचे खींचना। तो वेट ऐसा नहीं है कि रॉकेट ऊपर जा रहा था, जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ वेट सीधे नीचे खींचना शुरू कर दिया। वो क्या करा, इसको काउंटर करते करते ग्रेजुअली जीरो करेगा, जीरो करने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर नीचे आएगा। अब जहां पे वेलोसिटी जीरो हुआ ना, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट, ना कि ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है। समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, तो इसलिए ये जो वी मैक्सिमम है, यहाँ पे फ्यूल ओवर हुआ है, मतलब यहाँ तक का FTH, ठीक है। अब इस VT से ये ग्राफ से तुम बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता सकते हो। और इसके बाद इधर का क्या हुआ, ये फ्री फॉल शुरू करना है, जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वहां पे जो वेलोसिटी, जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब वो इतना अचीव करा, उसके बाद फिर फ्री फॉल होना शुरू, आगे की तरफ नीचे आ गया वो। समझ में आ गया सर? बोलो सर। अगर सर इक्वेशन से देखे तो सर एफ थ्रस्ट अगर जीरो हो गया तो FV = माइनस GT हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कंक्लूजन सर? तो सर कब सर V = 0 कैसे होगा? V = 0 कैसे होगा, ये वाली चीज बोल रहा है? नहीं सर, वो इक्वेशन पे, इक्वेशन पे यहाँ पे हाँ, बोल रहा है V = 0 कैसे होगा। V = 0 अगर इक्वेशन से देख रहे हो, हाँ तो देखो, अरे तुमने सही चीज पूछा। देखो ये जो इक्वेशन है ना, अब देखो V max की वैल्यू कितनी है, ये V max की वैल्यू है कि नहीं? अब ये है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने इसलिए जानबूझ करके मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ वाले केस में मैंने बताया ना। अब देखो वो कह रहा है ना कि ये यहाँ तक जैसे फ्यूल बर्न हो रहा था, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद उसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली, इतनी वेलोसिटी क्या कर रही है, गेन कर ली इतना वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है ना कि इस वेलोसिटी, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। ये किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये जो है वो कहा है ऊपर की तरफ है, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन एक्सीलेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ हो रहा है तो इसमें जी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी वेलोसिटी जीरो हो गया। किस टाइम पे कैसे पता चलेगा, इसको इधर लाओ, जी से डिवाइड करो, यानी कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुआ, T = 1/g vrln mi/mf। आ रही बात समझ में? हाँ सर, हाँ। तुम खाली इधर का सोच रहे हो, ये इक्वेशन भी तो, ये भी तो इक्वेशन का पार्ट है।
जब वेलोसिटी जीरो हुआ तो कितना टाइम लगा, इसको इस साइड लाओ, जी से लाके डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा कितना टाइम में वेलोसिटी जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। जीरो होने में कितना टाइम लगा, अगर 10 मीटर पर सेकंड होता ये जी है तो जीरो होने में एक सेकंड लगता, यहाँ पे जाकर के जीरो हो जाता, तो वही तो है। हाँ। ये जो टाइम है वो एक सेकंड का रहेगा, जहाँ पे कट करेगा एक्सिस वो कितना होगा, 1 सेकंड होगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में। और किसी कोई कंफ्यूजन बोल दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। हाँ हो गया एकदम। चलो एक और सवाल करते हैं, उसके बाद कोलिजन पे चलेंगे। लिखना, रॉकेट ऑफ मास 900 kg, रॉकेट ऑफ मास 900 kg अलोंग विथ फ्यूल, रॉकेट ऑफ मास 900 kg along with fuel is ejecting sir, a rocket of mass 900 kg along with fuel, fuel के साथ जो उसका mass दिया हुआ है वो 900 kg दिया हुआ, 900 kg is ejecting burnt gases at a rate of 10 kg per second with a speed of 10^3 meter per second with respect to rocket with a speed of 10^3 meter per second with respect to rocket, find acceleration of the rocket at the given instant. एक जी कोस्टू 10 meter per second, जी को 10 ले सकते हैं। तो वो एट द गिवन इंस्टेंट के बाद कुछ नहीं है, एट द गिवन इंस्टेंट हाँ नहीं कुछ नहीं है, उसके बाद टेक जी इक्वल्स टू 10, एक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। हंड्रेड आ रहा है। चलो एक आंसर आया 100, ए इक्वल्स टू 100। यहाँ पे क्या गलती करते हैं ना बच्चे वो मैं बताता हूँ।
सर 100/9 100/9 और किसे कुछ सर 100 और 100 बनाएंगे, यही दो आंसर आ रहा सबका। अब चलो समझते हैं 100 और 100/9 क्यों आ रहा है। समझो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगेन FTH ऊपर लगेगा अगर फ्यूल नीचे की तरफ आ रहा है तो, VR अगर नीचे की तरफ है तो FTH ऊपर, और नीचे क्या लग रहा है तुम्हारा MG लग रहा है, ठीक है। और इसी के चलते बॉडी क्या होगा एक्सेलरेट होगा, जहां से हमने इक्वेशन लिखा था FTH इज इक्वल टू FTH माइनस MG इज इक्वल टू M इनटू A, तो अगर A तुम्हें निकालना है तो इट विल बी FTH बाय M माइनस G होगा, FTH माइनस FTH बाय M माइनस G, ये एक्सेलेरेशन है, वो एक प्रॉपर इक्वेशन भी मैंने लिख के दिया था वहां से। अब FTH की जो वैल्यू है, FTH देखो, FTH VR के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अगर FTH का तुम्हें मैग्नीट्यूड लिखना है ना तो इट विल बी सिंपली 100/9 dm/dt। मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे कि FTH ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, FTH ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा ये चीज, क्योंकि तुमने डायरेक्शन अगर यहाँ पे लिख दिया ना, डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ शो कर दिया तो बच्चे अब यहाँ क्या करते हैं ना, डायरेक्शन शो करने के बाद फिर माइनस भी लिख देते हैं, जो चीज क्या हो गया गलत हो गया। माइनस साइन हम क्यों बता रहे थे, माइनस साइन इज टेलिंग दैट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वीआर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जिस जिसने वहां पे माइनस साइन के साथ वो ध्यान में नहीं रखा ना उसने गलती कर दिया, क्या गलती करा उसका MG और FTH ऐड हो गया, क्या करा होगा बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है ना कि FTH और MG को ऐड कर दिया है, क्यों ऐड करा है क्योंकि उसने डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन हम दे रहे थे जो माइनस VR लिखा हुआ था माइनस VR dm/dt उसको और MG को ऐड करा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। MG नीचे लग रहा है, MG किधर लग रहा है नीचे लग रहा है, FTH किधर लग रहा है ऊपर लग रहा है, तो जब इक्वेशन बच्चे लिखते हैं ना तो क्या करते हैं माइनस साइन के चलते, क्योंकि हमने रख के रखा कि वेक्टर फॉर्म में ये है तुम्हारा FTH इक्वल टू माइनस VR dm/dt यही है ना, तो हमेशा ना वो माइनस को कैरी करते रहते हैं। देखो अगर डायरेक्शन तुमने दिखा दिया ना, डायरेक्शन दिखा करके डायरेक्शन के चलते ही तो ये इक्वेशन हम लिख पाए हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है कि FTH ऊपर लग रहा है MG नीचे लग रहा है, उसी लिए तो ये तुम इक्वेशन लिख पाए हो। तो अब इस इक्वेशन में सीधे तुम्हें मैग्नीट्यूड पुट करने की जरूरत है, तो मैग्नीट्यूड पुट करेंगे और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हटा दो वेक्टर, जैसे ही वेक्टर हटाओगे साइन चला गया, तो FTH इज इक्वल टू VR dm/dt, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी होगी, कितना मैंने बोला हुआ 10^3 इंटू dm कितना था 10 ही था ना, हाँ सर से क्या घटाओगे 10/9 आ रहा है, एक बार देख लो आ रहा सबका 100/9 तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये तुम्हारा कितना है 10 है, तब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा 10/9 सिंपलीफाई कितना आ रहा है 10/9 आएगा, दिस विल बी 100 - 90/9 मींस 10/9 किसी का आया था, यस सर 10/9 आया है, आया तो दो जिन लोगों ने 100 और 100/9 बोला था वो हां सर पहली बार 100 वो माइनस लेके किया था इसलिए गलती होगी, मैं क्या कह रहा था FTH और MG दोनों को ऐड कर दिया होगा, यही कर रहे हो ना, हां सर VR माइनस पकड़े थे ना, ठीक है, क्योंकि क्या होगा वो जो इक्वेशन लिख रहा है ना दैट इज वेक्टर फॉर्म में, वो जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज बेसिकली टेलिंग व्हाट, जब भी हम कहीं यहां किसी भी जगह पे FTH को अगर हम माइनस लिख रहे हैं ना माइनस VR dm/dt तो हम हमेशा इस FTH का डायरेक्शन VR के रिस्पेक्ट में बताने की कोशिश करो, समझ में आ रही है बात, हां सर
एफपीएच का डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं? वीआर के रेस्पेक्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वीआर नीचे की तरफ है तो एफपीएच किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो वो जो इक्वेशन लिखा हुआ था ना, जो मैंने लिखा हुआ था ऐसे वीआर डीएम बाई डीटी माइनस एमजी, अब यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना, ये वाला अल्टीमेटली बता रहा है कि ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, में ऊपर की तरफ। ये माइनस जो है ना, ये माइनस और इस माइनस में दोनों में डिफरेंस है। ये माइनस किसके साथ है? वीआर के साथ है। ये माइनस किसके साथ है? वीआर के साथ है, जो बता रहा है फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, वो हमेशा जब देखोगे ना तो इसको इस तरीके से मतलब लिखा रहता है, माइनस वीआर ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है। माइनस वी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफपीएच विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी। क्लियर है? समझ में आ गया कहाँ कहाँ गलती हो सकता है? इसलिए मैंने ये जानबूझ करके ऐसे लिखवा दिया। तो तुम्हें एफबीडी से ही सॉल्व करना है इसको। तो एफबीडी से अगर सॉल्व करना है तो एफपीएच ऊपर लगा दो, नीचे एमजी लगा दो। अब अगर तुमने डायरेक्शन दिखा दिया तो अब तुम्हें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अगर डायग्राम में ही तुमने डायरेक्शन दिखा दिया तो बस किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड लिख दो, सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। गलती होने के चांसेस कम होते हैं जब भी डायग्राम से करते हैं ना। वेक्टर का डायग्राम, अगर वेक्टर का डायरेक्शन अगर तुमने डायग्राम में शो कर दिया, फिर उसके बाद डायरेक्शन का नहीं सोचते हैं, क्योंकि तुमने इधर डायरेक्शन एक बार कंसिडर कर लिया तो ऊपर ये नीचे। अब तुम्हें क्या करना है? बस मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि जो ऊपर है अगर उसको पॉजिटिव लोगे तो जो नीचे होगा वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसी चलते एक्सेलेरेशन हो रहा है, काम बन जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखा देंगे, डायरेक्शन दिखाने के बाद भी क्या करेंगे, जब इक्वेशन लिखेंगे ना तो फिर से माइनस साइन प्लस साइन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस लिखें या प्लस लिखें या क्या लिखें। तो माइनस प्लस को यूज करके ही तुम एफटीएच को ऊपर की तरफ दिखा रहे हो। ठीक है ना, माइनस साइन के चलते ही वीआर के अपोजिट में हम एफटीएच दिखा रहे हैं। तो वो काम तो हमने पहले ही कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो, रॉकेट प्रोपल्शन खत्म, अब हम चलेंगे। हाँ बोलो सर, आपने तो क्वेश्चन में पूछा था एट ए गिवन इंस्टेंट, मतलब तो कोई टी होगा, अगर वो ये आपने जो एक्सेलरेशन निकाला ये तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला है जिस टाइम पे मास 900 केजी है, क्योंकि मास क्या होता है, कंटीन्यूअस। हाँ वो तो पहले आपने बोला था ये रॉकेट ऑफ मास 900 केजी, मतलब वो पहले ऑफ मास 900 के। हाँ सुनो, रॉकेट ऑफ मास ये मैंने नहीं बोला है कि इनिशियली द मास ऑफ रॉकेट इज 900 केजी, सवाल में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? ओ मतलब जब इंस्टेंट होगा तभी 900 केजी होगा। हाँ, जिस इंस्टेंट पे हमने निकाला इंस्टेंट, हाँ उस पर्टिकुलर जहाँ पे हमने रॉकेट को रीड करा ना, जिस इंस्टेंट पे रॉकेट को हमने देखा तो उसका मास कितना था? 900 केजी था। मैंने ये नहीं बोला ना, सवाल को एक बार ठीक से देख लो, क्या वहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर, यानी जिस इंस्टेंट पे 900 मास है, 900 उसका मास है, उसी इंस्टेंट पे तुमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि कुछ देर बाद वो 800 हो जाएगा, कुछ देर बाद वो 700 हो जाएगा। 800 पे निकालोगे तो एक्सेलरेशन अलग होगा, 700 पे निकालोगे तो एक्सेलरेशन अलग होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, टाइम बचा हुआ है, एक सवाल करवा दे। चलो सवाल कर लो, कोलिजन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लिखना, देखो, इफ स्प्रिंग इज इनिशियली इलोंगेटेड, इफ स्प्रिंग इज इनिशियली इलोंगेटेड एंड सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इफ स्प्रिंग इज इनिशियली इलोंगेटेड एंड सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट From rest, then find acceleration of 2 kg mass if acceleration of 5 kg mass is
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन ऑफ 5 केजी मास इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रैकेट में लिख दो, ग्राउंड इज स्मूथ. ग्राउंड जो है वो कैसा है? स्मूथ. ये सिस्टम है एलोंगेटेड कंडीशन में, ठीक है. एलोंगेटेड कंडीशन में हमने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, फिर उसको रिलीज करा हमने, ठीक है. और जब रिलीज कर रहे हैं तो 5 केजी का एक्सेलेरेशन तुमको बता दिया कि 5 केजी क्या हो रहा है, एक्सेलेट करना शुरू कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो तुम्हें क्या करना है, ए का पता करना है, ए इज इक्वल टू व्हाट, मतलब डायरेक्शन भी बताओगे कि इसके इसके तरफ जा रहा है या इससे दूर जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी बताओगे. माइनस का क्या मतलब हो रहा है? माइनस का वो जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट में, अपोजिट में आगे आ रहा है. हां ठीक है, सब का आएगा 7.5 होगा. यस सर, 7.5, ठीक है. दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे, एक का एक्सेलेरेशन कितना है, एक का एक्सेलेरेशन 3 है. अब इस ये भी ऐसा भी सवाल अगर नीट में पूछ देता है ना, या जेईई मेंस में पूछ देता है, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में ही नहीं आ पाता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. फिर वो पता है एग्जाम में बच्चे क्या सोचने लगते हैं, इस पे फोर्स निकालने लगते हैं कि अच्छा इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स नहीं निकालने की जरूरत है. फोर्स निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस पे फोर्स निकाल सकते हो कितना लग रहा है. स्प्रिंग है तो मैंने बोला इस एंड पे भी फोर्स जितना लगेगा उस इस एंड पे भी फोर्स लगेगा. तो इसको तुम इंडिविजुअली फोर्स निकाल के भी कर सकते हो, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है. और कभी कभी बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं ना कि सर के तो दिया नहीं है, फोर्स कैसे निकालोगे. नहीं जरूरत है ना तो फोर्स निकालने की जरूरत है ना तो के निकालने की जरूरत है, अगर तुमने सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो. क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे इस दोनों को अगर सिस्टम मान लो, क्योंकि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा है इधर Fs और इस पे फोर्स लग रहा है इधर Fs लग रहा है. और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है, क्योंकि सरफेस को क्या बोला गया, स्मूथ बोला गया, स्मूथ बोला गया तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं. अब दोनों को एक साथ अगर सिस्टम तुमने कंसिडर कर लिया तो एफ नेट कितना हो गया, जीरो. और जैसे ही एफ नेट जीरो होता है तो एसीएम जीरो हो जाता है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस गिवन टू बॉडीज विल बी जीरो. और जैसे ही एसीएम जीरो हुआ उसका मतलब M1A1 प्लस M2A2 जीरो हो जाएगा, है ना. एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एसीएम इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास है, तो समेशन ऑफ मास इधर मल्टीप्लाई करके खुद जीरो हो जाएगा. ये बचेगा तुमको, समझ में आ रहा है. तो देखो यहाँ फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा कि मास जो है वो 5 है, M1A1A2. और अगर इसके एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव ले रहे हो इस साइड के डायरेक्शन को, तो 3 पॉजिटिव प्लस मास 2 था, इसका एक्सेलेरेशन A2 जीरो के बराबर होना चाहिए. यहाँ से A2 जो आएगा इट विल बी 15/2 -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 A1 के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है. कोई दिक्कत और समझ में आई? किसे कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो. नहीं सर. नहीं है ना, चलो एक और करेंगे फिर क्लास खत्म करते हैं. लिखना, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, अ न्यूक्लियस, थोड़ा ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसको इससे मास के कंसेप्ट से भी, कोलिजन के ये सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं. तो लिखना, अ मास ऑफ सॉरी अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इनिशियली एट रेस्ट, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इनिशियली एट रेस्ट सडनली इमिट
emits an alpha particle. परेशान नहीं होना, क्या क्या बोल रहे हैं। वैसे अल्फा पार्टिकल का नाम तुमने अब तक केमिस्ट्री में सुन लिया होगा। हाँ सर, सब ठीक है। emits an alpha particle and energy E is released and energy E is released in the process full stop find kinetic energy of the alpha particle, find kinetic energy of the alpha particle. Find kinetic energy of the alpha particle. अब यहाँ पे जो एनर्जी वाला कंसेप्ट है वो मैं बता दूंगा। अभी हमने वर्क एनर्जी, पावर एनर्जी, पावर हमें पढ़ना है, वो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का तुमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्व रहता है, किसी भी सिस्टम का लॉस नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलो समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा एक न्यूक्लियस था, एक तुम्हारे पास न्यूक्लियस था जिसका मास नंबर कितना था, ए। ये क्या हो रहा ना, सडनली क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है अल्फा, अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है जिसका मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो अगर 4 इमिट करा तो कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते उसमें बचेगा कितना, ए माइनस 4 बचेगा। इतना तो केमिस्ट्री में देखा होगा ना तुम। समझो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे बात करोगे ना तो अभी सिस्टम का जो भी मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए। ये जो दोनों सिस्टम बने हैं इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था ये। ठीक है, ब्रेक जब हुआ तो उस ब्रेक करने के लिए क्या तुमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, नहीं लगाया। जो भी ब्रेकिंग हो रही हो किसके चलते हो रही है, इंटरनल प्रोसेस के चलते हो रहा है। ठीक है, और उस इंटरनल प्रोसेस के चलते ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, जिसके चलते इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई और इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई। तो मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे, अगर इनिशियल मोमेंटम तुम देखोगे यहाँ पे पी आई, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम अगर देखो, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v अल्फा है, तो जो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम होगा इट विल बी a माइनस 4, ठीक है, इनटू v, इसका मोमेंटम, और इसका मोमेंटम होगा 4 इनटू v अल्फा, है कि नहीं। दोनों का अलग अलग मोमेंटम देख रहे हैं, इसका मोमेंटम पी आई 0 क्योंकि रेस्ट में था, इसका मोमेंटम देखोगे मान लो ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी डायरेक्शन हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन हम ले लेंगे ठीक है अपने अकॉर्डिंग। तो इसका जब मोमेंटम कोई निकालेगा, बस मैग्नीट्यूड निकालेगा तो ये वैल्यू होगा, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मान लो किसी ने सोच लिया कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर किसी ने मान लिया ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम दोनों का ऐड होकर के तुमको क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम मिलेगा। दिस विल बी योर पीएफ, इसको हम फाइनल मोमेंटम बोलेंगे। और फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए, क्यों, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के क्या होना चाहिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है इस सिस्टम पे। तो क्या लिख सकते हो, एफ ई एक्स टी इज 0, सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यह किसके बराबर होगा, पीएफ के। अब यहां से कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा, वी अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस 4 बाय 4 इनटू वी, ये तुम्हारा वी अल्फा आ गया, दिस इज योर व्हाट, वी अल्फा हो गया। समझ में आ रहा है सर, बोले हाँ बोलो, ई माइनस 1/32 इनटू ए माइनस 4 सर होल क्यूब इनटू वी स्क्वायर, क्या कर दिया तुमने, चलो मैं बताता हूँ, बता कठिन नहीं, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है सिंपल है, a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a इनटू e, कितना है
समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ सर, मैंने तो पूरा हिस्ट्री बता दी। हाँ, तुमने पता नहीं क्या क्या करा है। ये V अल्फा आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। ये V अल्फा कहाँ से आया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद का काम क्या होगा ना, तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन का काम होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का काम होगा। और एनर्जी कंजर्वेशन में इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर होगा। वो जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी सारी चीजें। या तुमने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सारी चीज, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है ए माइनस फोर का प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का, वो बराबर होगा ई के, ठीक है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी किसका? इस पार्टिकल का। काइनेटिक एनर्जी किसका? अल्फा पार्टिकल का। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? तुम्हें कैलकुलेट करना है के ई अल्फा, यानी के ई अल्फा जो होगा, के ई अल्फा विल बी ई माइनस के ई ए माइनस फोर, यही होगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। और इसी से सॉल्व करोगे, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हो रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से के ई अल्फा जो आएगा, इट विल सिंपली कम एज ए माइनस फोर बाई ए। ये इक्वेशन याद भी रखना होता है, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये इक्वेशन याद भी रखना होता है। जब हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा रे के बारे में, वहां पे ये इक्वेशन याद रखना होता है कि अल्फा, जो भी अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो क्या होता है ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए इंटू ई होता है, ठीक है। तो ये यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये समझ में आ जाएगा जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। मेन समझना कहा था मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वही करा था सर। ये करे हो? हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने सर हाफ ए माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस हाफ फोर इंटू बी टू स्क्वायर इक्वल टू ई करा था, तो हमने जब ई के वन करा था ई माइनस वन बाय टू वन बाय फोर ही आया। हाँ, तुमने भी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तुमने क्या करा ना, भी को उस इक्वेशन में रखा है जबकि भी को इस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि भी तुम्हें गिवन ही नहीं है। क्या तुमको भी गिवन है क्वेश्चन में? नहीं सर, जो सवाल नहीं दी गिवन है तो उस वी को हटाना पड़ेगा। तुम्हें गिवन क्या क्या है? ए गिवन है और ई गिवन है। तो जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए ना, गिवन के टर्म में आना चाहिए, जो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने के बाद आ जाता है। परेशान मत हो, अभी एक लाइन का काम। हाँ बोलो सर। वो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए माइनस फोर, उसको सर क्या हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट करे? रुको, चलो मैं कर ही देता हूँ। समझो, काइनेटिक एनर्जी अगर इसका लिखोगे तो कितना होगा? हाफ ए माइनस फोर और इसका वेलोसिटी वी स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू फोर वी अल्फा स्क्वायर ए के बराबर हो, ई के बराबर होगा, ठीक है। अब तुमने क्या करना, पिछला जो इक्वेशन लिखा था ना उसको यूज करना। कैसे यूज करना है? वहां पे तुमने वी कैलकुलेट करा था इन टर्म्स ऑफ वी अल्फा, या वी अल्फा कैलकुलेट करा था इन टर्म्स ऑफ वी। तो हमें क्या करना है ना, हमें ये वाला टर्म निकालना है, यानी ये काइनेटिक, ये वाला टर्म हमें कैलकुलेट करना है, इसको हटाना है। देखो क्या करेंगे, ये जो हाफ ए माइनस फोर है, इस भी की जगह क्या लिख सकते हो? इस भी की जगह बोलो, भी की जगह तुम लिखोगे, मैं बता रहा हूं, फोर बाई ए माइनस फोर इंटू वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ फोर माइनस वी अल्फा स्क्वायर इंटू ई लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। अब जो कॉमन है ना वो बाहर निकाल लो, जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो। समझो यहाँ क्या कॉमन है, ये टर्म फोर वी अल्फा स्क्वायर इधर बचेगा इंटू, देखो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, ये स्क्वायर होगा एक, यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा, यानी यहाँ बचा वन बाई ए माइनस फोर और यहाँ बचा वन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कहाँ से लिख रहा हूँ, इस वाले टर्म से। जब तुमने ये पूरा कॉमन करा तो यहाँ वन बाई ए माइनस फोर बचेगा और यहाँ माइनस वन, ये किसके बराबर है? ई के बराबर है। और ये जो टर्म है ना, यही तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है के अल्फा। तो अगर यही के अल्फा है तो यही तुम्हें कैलकुलेट करना था। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, के अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए, इधर जाकर के मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर क्या बचेगा, ये वाला टर्म, और उसको सिंप्लीफाई करोगे।
हाँ सर, मैंने सर गलती कर दिया, भी को सर भी टू लिख दिया, भी अल्फा लिख दिया। ठीक है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो कुछ, इधर स्क्वायर है तो इधर फोर बचेगा, वो देख लेना। फोर बाई दिस माइनस दिस, ये फोर स्क्वायर है ना, यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ फोर बचेगा। हाँ यस सर, हो गया, समझ में आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना भाई, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला जो स्टेप है जहाँ पे हमने कंजर्वेशन लगाया था मोमेंटम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही से देखो उसका यूज हो रहा है इधर, और यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं। और ये इक्वेशन तुमको याद रखना पड़ता है कहाँ पे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज काइनेटिक, सवाल ऐसा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, आ भी सकता है, जहाँ ए दे देता है, ई दे देता है, काइनेटिक एनर्जी पूछता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे निकाले, ये इक्वेशन है याद ही रखना होता है। वहां भी मैं बोलूंगा मॉडर्न फिजिक्स में कि इस इक्वेशन को याद रखो, मॉडर्न फिजिक्स बिना पढ़ाए भी मैंने तुमको बता दिया यार, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।